हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। यूपी के लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती वहां मौजूद पत्रकारों को अपना सरकारी बंगला दिखाने लगी। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना बंगला खाली कर दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मीडिया को बुलाकर अपने सरकारी बंगले 13 मॉल एवेन्यू का एक एक कमरा दिखाया। इस बीच उन्होंने अपने बंगले में मौजूद काशीराम विश्राम स्थल, मीटिंग रूम, रसोई घर, बैठक कंट्रोल रूम और खुद अपना विश्राम कक्ष दिखाया। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए मायावती ने बंगला खाली करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी सरकार के अब पूरे देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके बाद उन्होंने सरकारी बंगले के कब्जे वाले कागजात सरकारी अधिकारी को सौंप दिए, जिसके बाद एक कार में बैठकर अपनी जेड प्लस सुरक्षा के साथ वो उस बंगले से बाहर चली गई। मायावती ने अपने सरकारी बंगले को छोड़ने के बाद उस जगह शिफ्ट हुई है जो उनके पुराने सरकारी बंगले के ठीक बगल में मौजूद है, जहां वो अपनी सुरक्षा के बीच एक कार में सवार होकर अपने नए निजी बंगले में चली गई। जो मुख्यालय है उसके बगल में स्थित 9A आवास होगा, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त शिफ्ट हो चुकी हैं। हालांकि मायावती ने अपना सरकारी बंगला 13 मॉल एवेन्यू खाली जरूर कर दिया, लेकिन इस दौरान उनके बंगले से मुंह उनकी बातों से झलकता दिखा।